आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। इस बीमारी का नाम है डिस्लेक्सिया, जो कि आपको लिखने और पढ़ने में तकलीफ देता है। आप लिख और पढ़ अच्छे से नहीं पाते। डिस्लेक्सिया उन बच्चों में आता है जिनका इंटेलिजेंस भी नॉर्मल होता है, विजन भी नॉर्मल होता है, बस उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। और मैं मदद करूँगा आपके बच्चों को कि कैसे वो खुश वे में, स्ट्रेस लेस वे में अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं, पास हो सकते हैं और साथ साथ में मज़ा भी कर सकते हैं पढ़ाई करते करते। सो हाय एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस बीमारी का नाम है डिस्लेक्सिया। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि आपको लिखने और पढ़ने में तकलीफ देता है। आप लिख और पढ़ अच्छे से नहीं पाते। डिस्लेक्सिया उन बच्चों में आता है जिनका इंटेलिजेंस भी नॉर्मल होता है, विजन भी नॉर्मल होता है, बस उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। अभी डिस्लेक्सिया के साइंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एक तो कि वो बात करने में स्लो होते हैं, दूसरा नए वर्ड्स को सीखने में, उनकी स्पेलिंग समझने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ में जो वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं उन वर्ड्स को भी उनको प्रोनाउंस करने में, उनकी स्पेलिंग देने में उनको तकलीफ हो सकती है। उनको साथ साथ में जो नंबर्स लेटर्स, इन लोग को याद करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको नर्सरी राइम्स याद करने में और राइमिंग गेम्स खेलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूँ, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जर्फमैन कॉफमैन, इनने ये डिस्कवर किया था कि जब आदमी को शेम होता है तो वो उसकी लाइफ में, अगर आपका शेम पढ़ने और लिखने से रिलेटेड है तो ये शेम का लेवल उसकी लाइफ में हाईएस्ट शेम के लेवल पे होता है। मतलब अगर लिखने और पढ़ने का किसी के दिमाग में शेम आ गया, जिनको अगर प्रॉब्लम होती है लिखने पढ़ने में तो उनमें ये शेम आता है, ये शेम वन ऑफ द हाईएस्ट शेम्स के लेवल पे शेम है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इनको शेमफुल एक्सपीरियंस ना दें इनकी लाइफ में। काफ़ी डिस्लेक्सिक जब बोलते हैं तब उन्हें ये चीज़ की परेशानी होती है कि नॉर्मल लोगों को ये लगता है कि वो लेज़ी है या वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे या वो बस करना नहीं चाहते, लेकिन उनके माइंड में क्या चलता है। एक डिस्लेक्सिक बच्चे को 5 times ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल एनर्जी लगती है सेम वर्ड्स और लेटर्स को अपने माइंड में प्रिपेयर करने में। एक डिस्लेक्सिक बच्चे को 5 times ज़्यादा एनर्जी लगती है अपने ब्रेन में एक नॉर्मल बच्चे के कंपेयर कुछ लेटर्स पढ़ने में, कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करने में। सही सुना आपने, 5 times ज़्यादा। अभी इसके रूट कॉज पे जाते हैं। कोई इसके जेनेटिक और ऐसे रूट कॉज नहीं है कि आपको फिजिकल डिसऑर्डर दिखे या कोई फिजिकल प्रॉब्लम दिखे। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। जब वो बच्चा छोटा होगा, शायद घर पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, शायद घर पे झगड़े ज़्यादा हो रहे होंगे, शायद घर पे उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस कारण से बच्चा अपने आप को टर्न ऑफ कर देता है। उसके दिमाग में इतनी चीज़ें चालू हो जाती है चलना, 4 साल के बच्चे में भी ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है, उसके पेरेंट्स उससे खुश नहीं हो रहे। और ये भी डिस्लेक्सिक पेशेंट्स में बहुत देखा गया कि पेरेंट्स का ज़्यादा डिमांडिंग होना बच्चों से। लेकिन अभी इसका नेचुरल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम लोग इसके लिए पूरी फैमिली को बुलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए 10 दिन के लिए। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है, हर इंसान का समझने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग विजुअल तरीके से समझते हैं चीज़ों को, कुछ लोग विजुअल होते हैं, आप उनको कुछ बोलो तो वो अपने माइंड में पिक्चर्स बनाना चालू करते हैं। कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं, उनको पिक्चर्स नहीं दिखती, उनको फीलिंग्स आती है लोगों से और वो फीलिंग बेस्ड डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, जो उनका माइंड ऑडियो बेस्ड काम करता है। तो हर किसी को सिखाना, हर किसी को समझाने का तरीका अलग होता है। एक डिस्लेक्सिक बच्चा आया था हमारे सामने जिसके पास एक इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट की फाइल थी कि क्यों वो एक बहुत बड़ा डिस्लेक्सिक पेशेंट है, और क्यों उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हो रहे। तो जब वो मेरे पास आया, मेरे सामने आया, हमने पहली चीज़ क्या की कि उसके सामने ही उसकी फाइल फाड़ दी। वो बच्चा एकदम से खुश हो गया क्योंकि हर डॉक्टर उसको एज अ पेशेंट देखता था, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आप उसके माइंड में एक फ्रेम डाल देते हो कि वो एक पेशेंट है। उसके बाद हमने उसके बास्केटबॉल की बात करना चालू की क्योंकि उसको बास्केटबॉल बहुत पसंद था। अभी जब भी वो बच्चा बास्केटबॉल के बारे में बात करता तब उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी गायब हो गई होती थी क्योंकि उसको बास्केटबॉल इतना पसंद था। तो जब मैं उससे पूछता कि अच्छा तूने बता बास्केटबॉल कैसे सीखा, हमने एग्जैक्ट स्टेप्स ढूंढे कि उसने बास्केटबॉल कैसे सीखा और उसको क्या चीज़ों में मज़ा आता है बास्केटबॉल में, वही सेम स्टेप्स हमने उसकी पढ़ाई में लगाए और उस बच्चे के ग्रेड्स एवरी ईयर अच्छे होते गए तभी से। डेफिनेटली अब हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे को समझना ज़रूरी होता है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमसे कंसल्टेशन बुक करो और मैं मदद करूँगा आपके बच्चों को कि कैसे वो खुश वे में, स्ट्रेस लेस वे में अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं, पास हो सकते हैं और साथ साथ में मज़ा भी कर सकते हैं पढ़ाई करते करते।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे किसी जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की उससे ज़रूर शेयर करिए, और इस वीडियो पे ज़रूर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।